चलिए अभी सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम, रिलेशनशिप बिटवीन सीक्वेंस डायग्राम एंड यूज केसेस डायग्राम वी हैव सीन इन यस्टरडेज लेक्चर. टुडे वी विल एम्फसाइज ऑन लॉजिकल आर्किटेक्चर एंड यूएमएल पैकेज डायग्राम. यूएमएल पैकेज डायग्राम हैज बीन ऑलरेडी लर्न बाय यू पीपल. आप इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. पैकेज डायग्राम जो है यूएमएल में हम इसको ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. लेकिन How logical architecture is related with UML package diagram, ये हमें mainly आज की क्लास में या नहीं कवर हुआ आज की क्लास में, तो कल की क्लास में we'll cover it up. तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि what do you mean by a logical architecture and how UML package diagram can be implemented with the help of logical architecture, how it can be represented with the help of logical architecture. ये आज की क्लास में हमें देखना है, right? प्लीज म्यूट. ओके, सो लॉजिकल आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो इस पे बात करते हैं. तो लॉजिकल आर्किटेक्चर इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर क्लासेस इनटू पैकेजेस, सबसिस्टम्स एंड लेयर्स. मतलब लॉजिकल आर्किटेक्चर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है कुछ क्लासेस का या ऑर्गेनाइजेशन है कुछ एलिमेंट्स का. और वो जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या है? Either it can be a packages or it can be a subsystems and it can be a layers. Layer का मतलब आप समझते हो, आपने OSI layer पढ़ी है. Yes or no? Every layer has its own functionality. Layer का मतलब होता है कि your diagram or your architecture or your organization is divided into more than one layer and every layer has its own functionality. That is the meaning of layers. Subsystem के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी आप सिस्टम पे काम कर रहे हो और यदि उस सिस्टम से आप यदि उसकी कोई सब सिस्टम या सब मॉड्यूल को जनरेट करते हो तो दैट इज नोन एज योर सब सिस्टम्स, राइट? देन पैकेजेस. पैकेजेस भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके. पैकेजेस आर नथिंग बट दिज आर द ग्रुप ऑफ क्लासेस. हमने पढ़ा है पैकेज डायग्राम में कि जब क्लास डायग्राम बहुत ज़्यादा होती है, जब क्लास डायग्राम के अंदर क्लासेस और उस क्लास डायग्राम को हमको रिड्यूस करना है टू अ स्मॉलर साइज, तो हम 10 या 20 क्लासेस को कंबाइन करके एक पैकेज बना देते हैं और दूसरी बच्ची हुई 10 या 20 क्लासेस को कंबाइन करके हम दूसरा पैकेज बना सकते हैं. एंड वी कैन शो ओनली द रिलेशनशिप बिटवीन टू पैकेजेस आइदर देन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन 40 क्लासेस. यदि एक पैकेज में 20 क्लास है, दूसरे पैकेज में 20 क्लास है, तो 40 क्लासेस के बीच की रिलेशनशिप को शो करने की बजाय वी विल रिप्रेजेंटेड इट इन ए स्मॉलर वर्जन थ्रू अ पैकेज डायग्राम. डू यू रिमेंबर दैट? यस और नो? सो आपका लॉजिकल आर्किटेक्चर है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पैकेजेस हैं, उसमें सब सिस्टम्स हैं, उसमें लेयर्स है. कैसे है? अब डायग्राम बताऊंगी नेक्स्ट पेज पर. Then logical architecture does not depict how these elements are deployed across different operating system processes or across physical computer in a network. Definitely ये कौन से डायग्राम में होता है? ये होता है आपके डिप्लॉयमेंट डायग्राम में. डिप्लॉयमेंट कहाँ पर होता है? डिप्लॉयमेंट डायग्राम में होता है. और ये जो लॉजिकल आर्किटेक्चर है ये हम मेनली पैकेज डायग्राम पे एम्फसिस करते हैं, इसलिए लॉजिकल आर्किटेक्चर बिल्कुल भी ये नहीं बताता है कि आपका जो ये एलिमेंट्स हैं, आपके जो क्लासेस हैं, आपके जो सब सिस्टम्स हैं, वो कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पे या किसी फिजिकल कंप्यूटर पे जिस पे आपको उसको डिप्लॉय करना है उस पे वो कैसे डिप्लॉय होगी, ये बिल्कुल भी नहीं बताते हैं लॉजिकल आर्किटेक्चर से. क्या बताएंगे? अभी मैं आपको बताती हूँ. आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो लॉजिकल आर्किटेक्चर है उसमें ग्रुप ऑफ पैकेजेस होते हैं, सबसिस्टम्स होती हैं और एक लेयर्ड आर्किटेक्चर होता है. लेकिन ये जो लॉजिकल आर्किटेक्चर है वो बिल्कुल भी ये नहीं शो करता है कि आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी सिस्टम को. मतलब वो सिस्टम डिप्लॉय कैसे होगा, ऐसा डिप्लॉयमेंट डायग्राम की वो बिल्कुल भी पैरेलल नहीं हो सकता. आप उसको डिप्लॉयमेंट डायग्राम से बिल्कुल भी जो है इक्वेट नहीं कर सकते, ठीक है? उन दोनों की कोई इक्वालिटी नहीं है. अब लेयर क्या होती है? अ लेयर इज अ वेरी कोर्स ग्रेन ग्रुपिंग ऑफ क्लासेस, पैकेजेस और सबसिस्टम्स दैट हैज कोहेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेजर एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम.
ऑल्सो लेयर्स आर ऑर्गेनाइज सच दैट हायर लेयर्स, हायर लेयर मतलब सबसे ऊपर जो लेयर होती है वो यूजर इंटरफेस लेयर होती है, सच एज यूआई लेयर, यूजर इंटरफेस लेयर कॉल अपॉन सर्विसेज ऑफ लोअर लेयर्स. मतलब जो हायर लेवल होती है, मतलब जो यूजर इंटरफेस होता है वो नीचे की लेयर की सर्विसेज लेती है, पर जो नीचे की लेयर है वो ऊपर की लेयर की सर्विसेज कभी नहीं लेती है. बट नॉर्मली वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल. मतलब आप मान के चले कि सबसे ऊपर वन है, वन टू और थ्री, या उल्टा कर ले सबसे नीचे वन है, वन टू और थ्री, तो जो थर्ड लेयर है वो वन टू का यूज लेती है, पर वन टू कभी भी थ्री का यूज नहीं लेते हैं. मतलब अपर लेयर इज इंटरैक्टिव लेयर विद द एप्लीकेशंस, विद द यूजर्स, इसलिए उसको यूजर इंटरेक्शन लेयर बोलते हैं. लेकिन उसका लास्ट वाली लेयर, लोअर लेयर से कोई भी मतलब उसका इंटरेक्शन नहीं होता है, सॉरी इंटरेक्शन होता है, पर जो लोअर लेयर है वो कभी भी हायर लेयर से इंटरेक्ट नहीं करती, उसको उसकी यूज की यूज नहीं पड़ता है. तो एक बार फिर से पढ़ते, अ लेयर इज अ वेरी कोर्स ग्रेन ग्रुपिंग ऑफ क्लासेस. कोर्स ग्रेन का मतलब कि इसमें जैसे मैंने बोला हम क्लासेस को डिवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पैकेजेस, तो यहाँ पर आपको हमेशा कोशिश करना है कि आप सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस को ही कंबाइन करेंगे, उससे आपका जो वर्किंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा. और उसको हम बोलते हैं कोहेसिव सिस्टम. आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा है देर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम, कोहेसिव एंड कपलिंग. कोई बता सकता है मुझे कोहेसिव एंड कपलिंग का मीनिंग? कोहेसिव एंड कपलिंग, टू टाइप्स ऑफ सिस्टम्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. कोहेसिव सिस्टम का मतलब यदि मैं फंक्शंस की बात करूं, तो एक फंक्शन जब दूसरे फंक्शन पे मिनिमम डिपेंडेंट रहेगा उसको बोलते हैं कोहेसिव सिस्टम. और कपलिंग मतलब कपल, कपल मतलब कि जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहेगा उसको बोलते हैं कपलिंग. तो कपलिंग और कोहेजन का सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि हम हमेशा, जब भी आपने डिज़ाइन पैटर्न पढ़ा होगा या आपने डिज़ाइन सिस्टम पढ़ा होगा, कि सिस्टम यदि कोहेसिव है तो हमेशा अच्छा रहता है. मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में डिपेंडेंसी, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन के बीच में डिपेंडेंसी जितनी कम हो उतना हमेशा बेटर रहता है. क्यों बेटर रहता है? क्योंकि डिपेंडेंसी कम होगी तो इंटरैक्शन कम होगा, और इंटरैक्शन कम होगा तो एक फंक्शन में चेंज होने के कारण दूसरे फंक्शन को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. और कपलिंग का मतलब होता है डिपेंडेंसी इज मैक्सिमम. मतलब एक फंक्शन पर आपने चेंज किया तो कहीं ना कहीं फोकस उसका दूसरे फंक्शन पे भी आ जाएगा. मतलब आपको ज़्यादा चेंजेस करना पड़ेगा. तो जब भी आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करें तो आपको हमेशा कोहेसिव नेचर को एम्फेसाइज करना है. हाई कोहेजन एंड लो कपलिंग, ठीक है? हाई कोहेजन एंड लो कपलिंग, ये बेंचमार्क होता है. सबको आया समझ में? मैं आपको शायद पहले, मुझे ऐसा लग रहा है मैं पढ़ा चुकी हूँ आपकी क्लास में, तो मैं आपको एक पहले भी एग्जाम्पल दे चुकी कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वी आर कपल्ड विद देम, या हस्बैंड वाइफ होते हैं दे आर कपल्ड इन नेचर, दे आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. चिल्ड्रन आर वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन देयर पेरेंट्स. बट यदि हम फ्रेंड्स की बात करें तो वी आर ओके, फ्रेंडशिप है, कपलिंग है, लेकिन उसमें डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा नहीं रहती है. 10 दिन फ्रेंड नहीं भी मिलेगा तो हमें चल जाता है, लेकिन मम्मी पापा 10 दिन या मम्मी पापा के बिना बहुत मुश्किलों से रह पाते हैं, राइट? तो दिस यू कैन टेक एज एन एग्जाम्पल, राइट? देन अब लॉजिकल आर्किटेक्चर की मैंने बात की, इट इज अ लेयर्ड आर्किटेक्चर. सो दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स. यूजर इंटरफेस लेयर, आपको अभी बताया, सबसे ऊपर वाली लेयर. बीच में जो लेयर होती है दैट इज डोमेन लेयर, और सबसे लोअर लेवल होती है जिसको बोलते हैं हम टेक्निकल सर्विसेज लेयर. टेक्निकल सर्विसेज लेयर यूज्ड टू डिपिक्ट हाई लेवल और लो लेवल टेक्निकल सर्विसेज सच एज परसिस्टेंट. इसको आम भाषा में कहूँ तो हम जब भी कोई कोडिंग अप्लाई कर रहे हैं, मतलब जब भी हम सिस्टम पे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अप्लाई कर रहे हैं, और जब हम इट इज़ यूज टू डिपेक्ट हाई लेवल और लो लेवल टेक्निकल सर्विसेज. हाई लेवल लो लेवल टेक्निकल सर्विसेज मतलब कि हमने कोडिंग बनाया और उसको हमने एक मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया ताकि वो यूजर मशीन अंडरस्टैंडेबल हो. तो जब भी हम इस तरह की कोई काम कर रहे हैं तो उसको टेक्निकल सर्विसेज लेयर की कैटेगरी में डालेंगे. सच इज परसिस्टेंस. Persistent, हम क्लास से पहले पढ़ चुके हैं. Persistent का मतलब that does not change, it remain persistence throughout. आप बोल सकते हो उसको अदर वे में robust, कि आप ऐसा सिस्टम डेवलप करें जो कभी भी बर्स्ट नहीं होगा. एक स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट हमको करना है.
जो सेकेंड लेयर होती है टेक्निकल लेयर के ऊपर, उसको बोलते हैं डोमेन लेयर. एंड डोमेन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, डोमेन का मतलब होता है एरिया, कि आप किस एरिया में क्या काम कर रहे हैं उस पर एम्फेसाइज करना, अबाउट बिजनेस सिचुएशन एंड बिजनेस रूल्स. अब सपोज आप इसको बैंकिंग के लिए बना रहे हो, मतलब एक सपोज आपने तो टेक्निकल, इसमें क्या हो गया कि बैंक के जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं उसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से डेवलप करना, फिर एक प्रोग्राम मतलब एक मॉड्यूल का दूसरे मॉड्यूल में, जैसे मैंने बताया लो कपलिंग और हाई कोहेजन रखना, ये सब कुछ आपके टेक्निकल सर्विस लेयर में आ जाएगा जिसमें आपके जो डेवलपर्स हैं वो काम करेंगे. उसके बाद डोमेन लेयर आता है. डोमेन लेयर में हम एम्फोसिस करते हैं बिजनेस और बिजनेस सिचुएशन और बिजनेस रूल्स के बारे में. तो सपोज हम बैंकिंग के लिए बना रहे तो बैंकिंग का बिजनेस रूल क्या होता है? बैंकिंग का बिजनेस रूल होता है कि आपको यदि कैसे एग्जांपल दूं, हाँ, यदि आपका सैलरी अकाउंट है, जैसे मेरा सैलरी अकाउंट है, मेरी सैलरी जिस अकाउंट में आती है, इट कैन बी अ जीरो बैलेंस अकाउंट. मतलब उस अकाउंट में यदि मेरा बैलेंस जीरो भी हो जाएगा तो मुझे कोई फाइन नहीं लगेगा. लेकिन अदर देन सैलरी अकाउंट, आप एक जनरल अकाउंट, अगर सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट की बात करते हो, तो डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ बैंक, उसका एक मिनिमम अमाउंट फिक्स होता है, 5,000, 7,000, 10,000. यदि उससे अमाउंट कम होता है तो उसके सिस्टम में एक बिजनेस रूल अप्लाइड रहता है कि 5,000 से अमाउंट कम हुआ तो आपको 100 रुपीज़ का फाइन लगाना है. वो 100 रुपीज़ ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं. तो ये एक तरह का बिजनेस रूल हो गया. आपको मेरी बात समझ में आ रही है? व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस रूल? या दूसरी चीज, और बिजनेस रूल क्या हो सकते हैं कि ATM के 6 मंथली चार्जेस लगते हैं. आपको फोन तो आता नहीं है कि आपका 6 महीने हो गए तो आपको चार्ज लगने वाले हैं. बिजनेस रूल ही है कि जैसे जून आए 6 महीने का ATM का चार्ज लगा दो. या आपका सेविंग अकाउंट है तो उसका एक ब्याज बनता है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट बनता है, तो वो जो इंटरेस्ट है आप 6 महीने में एवरी 6 मंथ वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाता है इफ इट इज अ सेविंग अकाउंट, राइट. तो इस तरह से कुछ बिजनेस रूल्स होते हैं बैंक में जो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाते हैं. और सबसे ऊपर लेयर होती है, दैट इज द यूजर इंटरफेस लेयर. इट अलाउज द यूजर टू मैनिपुलेट अ सिस्टम और सिस्टम टू इंडिकेट द इफेक्ट ऑफ यूजर्स मैनिपुलेशन. मैंने अभी आपको बताया कि ये GUI होती है, यूजर इंटरफेस, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहां पर यूजर इंटरैक्ट करेगा. दैट इज इंटरनेट बैंकिंग. मोबाइल की ऐप बनी हुई है, आप इंटरनेट बैंकिंग का वहाँ पर यूज़ कर रहे हो, अपना लॉगिन आईडी क्रिएट कर रहे हो, अपना बैलेंस चेक कर रहे हो, फंड ट्रांसफर कर रहे हो, तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ यूजर इंटरफेस. एंड दैट कैन बी मेड बाय अ जावा स्विंग. तो एक एग्जांपल है, आप PHP भी बना सकते हो, HTML पे भी बना सकते हो, एनी लैंग्वेज यू कैन यूज, इट कैन बी एनी लैंग्वेज, राइट. तो सबसे पहले जो लेयर होगी वो यूजर इंटरेक्शन लेयर होगी जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है. फिर डोमेन लेयर होगी जिससे आप बिजनेस रूल्स और अपने बिजनेस की सिचुएशन सेटअप करोगे. और जो थर्ड होती है वो टेक्निकल सर्विस लेयर होती है जिसमें आप टेक्निकल जितने भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके इम्प्लीमेंटेशन की वहां पर आप बात करते हो, राइट. इज लॉजिकल आर्किटेक्चर वेरी क्लियर टू यू कि लॉजिकल आर्किटेक्चर क्या होता है और उसमें कितनी नंबर ऑफ लेयर्स होती है? क्लियर है आपको? ओके. नाउ अब हमने अभी पढ़ा कि हम लॉजिकल जो आपका आर्किटेक्चर है, जस्ट अ मिनट, वेट. ओके, अभी हमने पढ़ा कि जो लॉजिकल आर्किटेक्चर है वो पैकेज डायग्राम से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, क्योंकि उसके अंदर पैकेजेस को हम, उसकी लेयर्स के अंदर जो है पैकेजेस होते हैं. अब पैकेजेस क्या होते हैं? अगेन UML पैकेज डायग्राम आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द लॉजिकल आर्किटेक्चर ऑफ अ सिस्टम, दैट इज द लेयर्स, सब सिस्टम्स एंड पैकेजेस. आपका जो UML पैकेज डायग्राम होता है वो भी लॉजिकल आर्किटेक्चर को ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उसके अंदर लेयर्स होती है, सब सिस्टम्स होते हैं और पैकेजेस होते हैं. एंड UML पैकेज डायग्राम इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जस्ट सच एज क्लासेस, अदर पैकेजेस, यूज केसेस. ये हम ऑलरेडी पैकेज डायग्राम की डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं. नाउ इंटर लेयर एंड इंटर पैकेज कपलिंग, ये चीज हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़नी है, कि यदि हम पैकेज डायग्राम को लेयर्स में डिवाइड करते हैं तो उन हर लेयर में कुछ पैकेजेस होंगे. हाउ दैट पैकेजेस आर कपल्ड एंड डिपेंडेंट टू ईच अदर, यही हमें मेन चीज पढ़नी है. डिपेंडेंसी लाइंस आर यूज टू कम्युनिकेट कपलिंग बिटवीन पैकेजेस और टाइप्स ऑफ पैकेजेस. मतलब हमें डिपेंडेंसी लाइन, डॉटेड लाइन बनानी पड़ेगी, और ये जो डॉटेड लाइन है वो रिप्रेजेंट करेगा कि आपका
जो पैकेजेस है दूसरे पैकेजेस से कैसे डिपेंडेंट है। आपको बात आ रही है समझ में? इंटर लेयर और इंटर पैकेजिंग में क्या होगा कि कौन सी लेयर किस लेयर से डिपेंडेंट है आपको ये भी पता चल जाएगा, और कौन सा पैकेज किस पैकेज से डिपेंडेंट है आपको ये भी पता लग जाएगा। और इसको डिपेंडेंसी को शो कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन। अब पीछे के मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें आपको बताया है कि जो प्रोसेस सेल एक पैकेज है, प्रोसेस सेल फ्रेम, वो डिपेंडेंट किससे है? रजिस्टर से। कोई प्रोसेस सेल फ्रेम है वो किससे है? वो रजिस्टर से भी डिपेंडेंट है और वो सेल से भी डिपेंडेंट है। जो सेल है वो पॉस रूल मतलब पॉइंट ऑफ स्केल रूल इंजन से रिलेटेड है, जो फिर पॉस रूल इंजन है वो फर्दर जेस्ट से रिलेटेड है, और जो इन्वेंट्री है वो सोप से रिलेटेड है। मतलब ये डिपेंडेंसी आप किसी डायग्राम में शो कर सकते हो। ये डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स के एग्जाम्पल्स इसमें बताए गए हैं, राइट? चलिए अपन तो ये वाला डायग्राम देखते हैं। अब इसमें लेफ्ट में क्या लिखा है? एट दिस लेवल द डिजाइन ऑफ अ टिपिकल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम इज बेस्ड ऑन सेवरल आर्किटेक्चर लेयर सच एज यूआई लेयर, डोमेन लेयर और टेक्निकल लेयर। ठीक है, ये तीन लेयर होती है। अब देखो इसमें क्लियरली मेंशन है, सबसे लेयर डायग्राम है, सबसे पहले यूआई लेयर बनाई है, बीच में डोमेन लेयर बनाई है और लास्ट में टेक्निकल सर्विसेज लेयर बनाई है। तो जो यूआई लेयर होती है उसके जो पैकेजेस है वो स्विंग है, वो वेब है, और स्विंग में एक नोट डला हुआ है कि नॉट द जावा स्विंग लाइब्रेरीज बट आवर यूआई क्लासेस बेस्ड ऑन स्विंग। ठीक है, यहाँ पर स्विंग का मतलब है कि आप जो भी एप्लीकेशन बना रहे हो विद द हेल्प ऑफ स्विंग, उसमें जितने भी पैकेजेस करोगे वो सारे पैकेजेस यहाँ पर आ जाएंगे, और वेब आपका। देन आपने आई डोमेन लेयर। अब डोमेन लेयर में आपका आ जाता है सेल्स, पेमेंट्स और टैक्सेस। ये आपका आ गया डोमेन लेयर, क्योंकि सेल मतलब सेल में डिस्काउंट भी हो सकता है, न्यू अराइवल भी हो सकता है, फ्रेश भी हो सकता है, पेमेंट में कैश भी हो सकता है, मतलब आपके बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं पेमेंट के। वैसे जीएसटी है, विदाउट जीएसटी टैक्सेस हो सकता है, उसमें जीएसटी अप्लीकेबल है, विदाउट जीएसटी अप्लीकेबल है, विदाउट बिल का पेमेंट अलग रहता है, बिल विद बिल का पेमेंट अलग रहता है। इनके सबके बिजनेस रूल्स हैं, इनके सबके एक कंस्ट्रेंट्स हैं जो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाते हैं जब आप उसको इंसर्ट करते हो तो। और लास्ट में आपका आता है टेक्निकल सर्विसेज। टेक्निकल सर्विसेज में आपके वो मॉड्यूल्स आ जाते हैं जो आपके सिस्टम को रन करते हैं, वो चाहे परसिस्टेंस हो, चाहे वो लॉगिन करने का हो, चाहे वो रूल्स इंजन हो, वो कोई भी हो सकता है। इंजन मतलब हु ड्राइव्स द ट्रेन, तो वैसे रूल्स इंजन जो हु ड्राइव्स योर सिस्टम। तो ऐसे टेक्निकल सिस्टम में भी बहुत सारे आपके पैकेजेस आ सकते हैं। अब यहाँ पर देखो वेब लॉगिन, क्योंकि जब भी हम सबसे पहले वेबसाइट को ओपन करते हैं तो द वेरी फर्स्ट थिंग, जब भी आप इंटरनेट बैंकिंग भी करोगे तो वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू लॉग इन, आपको सिस्टम से लॉग इन करना पड़ेगा। बात आ रही है समझ में? वैसे आपने कुछ एप्लीकेशन बनाई है तो हम उसमें सेल्स भी यूज़ कर सकते हैं, हम उसमें पेमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, हम उसमें टैक्सेस भी यूज़ कर सकते हैं, हम आइदर ऑफ द ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। और आप पेमेंट या डोमेन लेयर का यूज़ तभी करोगे जब आप सिस्टम से लॉग इन हो। मतलब एवरी लेयर इज़ रिलेटेड विथ सम ऑफ द पैकेजेस टू ईच अदर। मतलब आपको लेयर्ड आर्किटेक्चर समझ में आया, उसमें तीन टाइप की लेयर होती है, यूजर इंटरफेस, डोमेन और टेक्निकल लेयर, तीन लेयर, एंड एवरी लेयर इज डिपेंडेंट टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ डिपेंडेंसी लाइन। ओके, अब यहाँ पर आपको डिटेल में बताया है ये, हम मैं आपको शायद बता चुकी हूँ लेकिन एक बार फिर कवर अप कर देती हूँ कि जो लेयर होती है इट इज़ अ कोर्स ग्रेन ग्रुपिंग ऑफ क्लासेस, पैकेजेस और सब सिस्टम्स। उसका नेचर जो है वो कोहेसिव होता है, कोहेसिव मतलब लेस डिपेंडेंसी बिटवीन दोज सिस्टम्स। ठीक है, क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा वेरी मच डिपेंडेंट रहेगा तो आपको बिल्कुल भी सिस्टम में काम करने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आप उसके बिना काम ही नहीं कर सकते। अब आपको असाइनमेंट सबमिट करना है ओईडी का। मैंने देखी एक चीज़ ऑब्जर्व की कि दो या तीन लोगों का टाइम से पहले असाइनमेंट आ गया था, दो या तीन लोगों का। फिर जैसे दो या तीन लोगों का असाइनमेंट आया, बहुत सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने अपना असाइनमेंट बांटना शुरू कर दिया, और जैसे उन्होंने अपना बांटना शुरू किया असाइनमेंट, विद इन 24 आवर्स मोर देन 50 बच्चों के असाइनमेंट विथ लेट डेट सबमिट हो गए। दिस इज नोन एज डिपेंडेंसी। पहले मिल जाता तो आप भी टाइमली सबमिट कर देते, बाद में मिला बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, उसके लिए 4 दिन तक वेट किया, जब उसने दिया तब आपने अपना नाम बदल के सबमिट कर दिया। एम आई राइट और रॉन्ग? कल मैं देख रही थी, मुझे मेरे मोबाइल पे कंटिन्यू मैसेज आ रहे थे, लेट सबमिशन बाय दिस स्टूडेंट, लेट सबमिशन बाय दिस स्टूडेंट, लेट सबमिशन बाय दिस स्टूडेंट।
कंटिन्यू कर दी, क्योंकि एक दो का हो जाता है क्लास में, पूरे क्लास में सबका हो जाता है असाइनमेंट, एंड विच इज वेरी शेमफुल, बहुत गलत चीज है ये. बट एनी वे, इट्स ऑल योर विल एंड विश. आपको अपने आप को और अपने सिस्टम को मैनेज करना है. मैं सिर्फ आपको बोल सकती हूँ, नथिंग एल्स आई कैन डू बीइंग वर्चुअल विद यू. आप यहाँ पर होते तो एक लगाती मिलाकर, बट दो यू आर नॉट हियर सो आई कांट डू एनीथिंग. ओके, सो एग्जांपल क्या है लेयर्ड आर्किटेक्चर का? एप्लीकेशन लॉजिक एंड डोमेन ऑब्जेक्ट्स, सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग डोमेन कॉन्सेप्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, अ सॉफ्टवेयर क्लास सेल that fulfills application requirements such as calculating a sale total. ठीक है, मतलब आपको किसी भी सेल कितना हुआ है उसका टोटल करना है, तो आपका जो सेल नाम का जो क्लास है, जो पैकेज है, वो आपका जो है वो पेमेंट को कैलकुलेट कर लेगा. एप्लीकेशन लेयर इज अ फोकस ऑफ द यूज केस. एप्लीकेशन लेयर मतलब आप बोलोगे मैडम आपने एप्लीकेशन लेयर तो पढ़ाया ही नहीं है, जो डोमेन लेयर होती है उसी को एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं. यूजर इंटरफेस अलग होती है और टेक्निकल अलग होती है. जो डोमेन लेयर होती है उसी को एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं, और हमारे जितने भी यूज केसेस हैं यूज केस डायग्राम में, वो मेनली एप्लीकेशन लेयर में ही होते हैं. ठीक है, फिर हायर लेयर सच एस यूआई लेयर कॉल अपॉन द सर्विसेज ऑफ लोअर लेयर. अभी हमने पढ़ा कि जो हायर लेवल होती है, जो यूजर इंटरफेस लेयर होती है, वो लोअर लेयर की सर्विसेज को कॉल करती है, उसको यूज करती है, पर जो लोअर लेयर की सर्विसेज होती है वो कभी भी अपर लेयर की सर्विसेज को कॉल नहीं करती है. In a strict layer architecture, a layer only calls upon the services of the layer directly below it. ठीक है, generally तो ऐसा ही होता है. जो strict layer architecture होते हैं उसका strictness क्या होती है कि जो user interface है वो केवल domain को access कर सकते हैं, और जो domain है वो केवल technical को access कर सकते हैं. जो user interface है वो कभी भी technical को access नहीं कर सकते. मतलब direct जो layer, उसके सब layers है उसी को आप access कर सकते हो. upper मतलब जो एक लेयर छोड़ के बाद अल्टरनेट लेयर को आप एक्सेस नहीं कर सकते. ऐसा नेटवर्किंग में होता है, जैसे मैंने आपको बताया OSI लेयर या TCP/IP, उसमें आप लेयर्स को स्किप नहीं कर सकते. ठीक है, आपका जो डेटा है वो हर लेयर से पास होगा. लेकिन कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको रिलैक्सेशन होती है, जहाँ पर आप जो है वो डेटा को लेयर को स्किप कर सकते हो. जैसे अभी अपन ने जो एग्जाम्पल लिया ये वाला, इसमें आप देखो वेब जो है वो डायरेक्टली लॉग इन से, मतलब उसने डोमेन को स्किप कर दिया. Are you getting my point? मतलब यहाँ पर skipping हो सकती है. तो ये example किसका हो जाएगा आपका unstrict का, और जो OSI layer और TCP/IP वो strict का example हो जाएगा. ठीक है, तो यही लिखा हुआ है आपका कि but not in information system which have a relaxed layer architecture in which higher layer calls upon the lower layer. ठीक है, वहाँ पर directly आप indirectly आप call कर सकते हो. अगेन द सेम एग्जाम्पल, सिर्फ आपको इस एग्जाम्पल में ये बताया है कि जो UI है वो हायर लेयर है, और जो टेक्निकल सर्विस लेयर है वो आपकी सबसे लोएस्ट लेवल है, लेयर है. ठीक है, लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर, दैट इज लेयर्स ऑफ बेनिफिट्स. हम क्यों लेयर में हमारे लॉजिकल आर्किटेक्चर को डिवाइड कर रहे हैं? सबसे पहली चीज है सेपरेशन ऑफ कंसर्न. अभी मैंने आपको बताया हम क्यों मम्मी पापा को हमारे फ्रेंड्स से अलग रखते हैं, हम क्यों मम्मी पापा को हमारे फ्रेंड्स की कैटेगरी में नहीं डालते, और हम हमारे फ्रेंड्स को क्यों मम्मी पापा की कैटेगरी में क्यों नहीं डालते, क्योंकि दोनों के बीच की जो डिपेंडेंसी है, जो कोहेजन और कपलिंग है, वो अलग अलग है. सेपरेशन ऑफ कंसर्न अलग अलग है. वी आर कंसर्न विद दी अवर फ्रेंड्स बट लीस्ट, बट वी आर कंसर्न विद अवर पेरेंट्स मोर. ठीक है, तो ये रिलेशनशिप हो सकती है. तो सेपरेशन ऑफ कंसर्न, अलग अलग कंसर्न, मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ों को अलग दिखाने के लिए और अनइम्पॉर्टेंट को अलग दिखाने के लिए. अब यहाँ पर अनइम्पॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि वो यूजफुल नहीं है, दे आर यूजफुल बट लीस्ट डिपेंडेंट विद ईच अदर. और इम्पॉर्टेंट मतलब दे आर यूजफुल ऑल्सो बट वेरी मच डिपेंडेंट ऑल्सो विद ईच अदर. सो इट रिड्यूसेस द कपलिंग एंड डिपेंडेंसीज, इम्प्रूव्स कोहेजन. ठीक है, कपलिंग को आपको रिमूव करना है, रिड्यूस करना है, और कोहेशन को आपको इम्प्रूव करना है. मतलब जितनी ज़्यादा इंटरडिपेंडेंसी कम हो उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है. इंक्रीजेस रीयूज पोटेंशियल एंड क्लैरिटी. अभी मैंने आपको समझाया कि यदि आप कोहेशन को इम्प्रूव कर दोगे तो आपको रीयूज करना भी आसान होगा और आपको चीज़ें क्लियर होगी. डिपेंडेंसी जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा आपको आपके पास क्लैरिटी होगी. देन एसेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी इन इज इनकैप्सुलेटेड. यहाँ पर क्या होगा कि हम जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज है उसको इनकैप्सुलेट मतलब
रैपिंग अप मतलब वाइंड अप कर लोगे, आप उसको एक साथ जोड़ लोगे. कैन रिप्लेस सम लेयर विथ न्यू इम्प्लीमेंटेशंस, राइट. हम इसमें अपडेशंस कर सकते हैं लेयर्स में, नए पैकेजेस को, नए एलिमेंट्स को, नए सिस्टम्स को ऐड कर सकते हैं. ये हमने कल की क्लास में भी पढ़ा था कि आपको सीक्वेंस डायग्राम बनाते वक्त कोई आइडिया आता है तो आप यूज केस को चेंज कर सकते हो. आपको यूज केस में कोई आइडिया आता है तो आप उसका सीक्वेंस जनरेट कर सकते हो. कैन डिस्ट्रीब्यूट सम लेयर्स, आप कुछ लेयर्स को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. कराइए, हमने यूजर इंटरफेस को अलग किया, डोमेन को अलग किया, टेक्निकल को अलग किया. कैन डिवाइड डेवलपमेंट विद इन द अक्रॉस टीम्स. टेक्निकल लेयर सर्विसेज में आपने एक अलग लेयर बना दी, मतलब आप यहाँ पर पैरेलली बहुत सारी टीम एट अ टाइम काम कर सकती है, ठीक है. और ये पीपीटी में आपको अपलोड कर दूंगी गूगल क्लासरूम में. ये जो rosehullman.edu मैंने आपको जो लिंक दी है, ये बहुत अच्छी लिंक है थर्ड यूनिट सॉरी फोर्थ यूनिट का. ये जो टॉपिक आज मैंने पढ़ाया वो पढ़ने के लिए, इट इज़ वन ऑफ द वेरी नाइस पीपीटी, ठीक है. तो आप इस पीपीटी पे ध्यान देंगे और इस पीपीटी को अच्छे से स्टडी करेंगे. मैंने उसका कुछ पार्ट लिया है. तो अपन नेक्स्ट क्लास में सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, हम क्यों आर्किटेक्चर बनाते हैं ये पढ़ेंगे, पैकेज डायग्राम को कैसे रिलेट करते हैं हम ये बताएंगे, ठीक है. एंड दैट्स ऑल फॉर दैट टॉपिक आई थिंक.